स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन। ठीक है, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन हम देख चुके हैं, अब हमें देखना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन। जैसे कि त्रिकोणमितीय में हम किसका देखे थे, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो था वो क्या था, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या था, कॉस एक्स। अब हमें प्रतिलोम, उसका प्रतिलोम यानी साइन का प्रतिलोम क्या होगा, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स का हमें डिफ्रेंशिएशन देखना है। ठीक है, तो साइन इनवर्स जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं उनके हम रेंज और डोमेन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। रेंज का मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं प्रांत, ये डोमेन, डोमेन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रांत और रेंज को हम बोलते हैं परिसर। ठीक है, यानी कि ये हो गया फलन, ये हो गया प्रांत और ये हो गया परिसर। ठीक है, फलन सबसे पहला फलन क्या है, साइन इनवर्स एक्स। सबसे पहला फलन क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है, डोमेन क्या है, माइनस वन से प्लस वन। साइन इनवर्स का जो डोमेन है, डोमेन क्या है, माइनस वन से प्लस वन। ठीक है, सबसे पहले हम आपको ब्रैकेट बता देते हैं। यहाँ पे तीन ब्रैकेट यूज किया है, एक ये ब्रैकेट है, ये क्या होता है कैपिटल ब्रैकेट, एक ये लिखा हुआ है, ये क्या होता है स्मॉल ब्रैकेट। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट। अब एक लिखा हुआ है ये वाला, ये क्या है, मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, कैपिटल ब्रैकेट में मतलब कैपिटल ब्रैकेट जो होता है, कैपिटल ब्रैकेट में क्या होता है, बाउंड्री रीजन को भी हम लेके चलेंगे। कैपिटल ब्रैकेट में बाउंड्री रीजन को भी हम लेके चलेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में क्या होगा, जो किनारे वाला बाउंड्री वाला पॉइंट होगा उसको छोड़ के चलेंगे, उसके बीच में सिर्फ होगा। और स्मॉल ब्रैकेट में क्या होगा, ऐड करके चलेंगे, यानी उसको हम लेके चलेंगे सम्मिलित करके। पास में आ गया, तो ये तो हमारे पास हो गया ब्रैकेट, यानी कैपिटल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और मिडिल ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने देखा है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, तो साइन इनवर्स एक्स जो है, साइन इनवर्स एक्स उसका डोमेन में क्या है, माइनस वन से प्लस वन। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है माइनस वन से प्लस वन, रेंज होता है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। वैसे कॉस इनवर्स एक्स, इसका डोमेन क्या है, माइनस वन से प्लस वन और इसका रेंज क्या हो गया, जीरो से पाई। टेन इनवर्स का आर, इस आर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, वास्तविक वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, परमेय तथा अपरमेय के मेल को, यानी जितने भी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या हैं उन सबको मिला देते क्या बन जाता है, वास्तविक संख्या। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। या फिर जिस नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर या फिर वास्तविक, उसी को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो ये सब चीज़ जो है आपको हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जब पढ़े थे वहाँ पर भी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, उसी चीज़ को हम फिर से यहाँ पे दोबारा लिखिए। जैसे कॉट इनवर्स एक्स है, इसका जो डोमेन है वो आर है और इसका जो परिसर है वो क्या है, जीरो से पाई, जीरो से पाई यानी स्मॉल ब्रैकेट, जीरो नहीं होगा पाई नहीं होगा उसके बीच में होगा। वैसे सेक इनवर्स एक्स है, तो डोमेन इसका क्या है, आर माइनस माइनस वन कॉमा वन, यह क्या है उसका रेंज। वैसे कॉसेक इनवर्स एक्स का ये डोमेन और रेंज है, इसको तो हमें याद रखना है। पास में आ गया, अब हमें हेडिंग डाले हैं जो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। तो जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन होगा उसी चीज को हमें देखना है। ठीक है, हम यहाँ पे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो अवकलन होगा हम इसको एक एक करके हम प्रूव भी करता जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम आपको फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट आपको प्रूव करके बताते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का क्या होगा अवकल, ये अवकलन। देखिए नंबर एक, नंबर एक पहला प्रूफ, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। पहला क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे साइन का क्या है, इनवर्स है, इनवर्स का मतलब उल्टा लिखा हुआ है, इनवर्स का मतलब उल्टा लिखा हुआ, तो साइन इनवर्स है, इसको हम इनवर्स को हम इधर ले आएंगे, साइन इनवर्स को हम इधर ले आएंगे, तो उल्टा है इधर क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, यानी हो जाएगा एक्स इक्वल टू साइन वाई। क्लियर है, यानी हम ले चले थे वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स को इधर भेज दिए वाई के साथ में, तो बस गया इधर एक्स, एक्स इक्वल टू साइन वाई। अब हम यहाँ पे लिखते हैं
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि क्या हो गया, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को हिंदी मतलब क्या हुआ, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे जो हम अवकलन कर रहे हैं, अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष। अवकलन हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, ये एक्स के सापेक्ष नहीं, वाई के सापेक्ष करते हैं, वाई के सापेक्ष, ठीक है, वाई के सापेक्ष, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं, ठीक है। वाई के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो एक्स का अवकलन क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई, एक्स का अवकलन क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई, क्योंकि वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, यानी वाई के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसको हम क्या करेंगे, नीचे कर देंगे। तो वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो वाई को हम नीचे कर दिए। अब देखो साइन वाई, तो साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस, साइन का हो गया कॉस। अब वाई का अवकलन लिखेंगे तो वाई का अवकलन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे नहीं होगा, बात में आया, यहाँ पे वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वाई है, वाई का अवकलन हम क्या लिखेंगे, वाई के सापेक्ष लिखेंगे। तो वाई का अवकलन वाई के सापेक्ष क्या होगा, वन, वाई का अवकलन वाई के सापेक्ष क्या होगा, वन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ साइन वाई का क्या हो गया, कॉस वाई। तो अब देखिए ये तो आ गया डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू कॉस वाई। अब यहाँ से हम इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन कॉस वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी इसको उल्टा कर दिए, इस डी वाई को ऊपर डी एक्स को नीचे, वन अपॉन कॉस वाई, ये क्या जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन, देखो कॉस वाई को हम लिख सकते हैं अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर वाई, कॉस वाई का फॉर्मूला होता है अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। ये चीज कहाँ से आया, यानी कि साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या होगा, वन। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो यहाँ से कॉस वाई इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर वाई, यहीं से ये फॉर्मूला लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहां से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई, साइन वाई का देखो साइन वाई का वैल्यू कितना है एक्स के इक्वल, साइन वाई का वैल्यू कितना है एक्स के इक्वल, यहां पे साइन स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, या ये डिफरेंशिएशन बस में। तो देयरफॉर यानी कि डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। पहला फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा, डिफरेंशिएशन वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो हो गया साइन वाई का। अब हम अगला निकालेंगे किसका, कॉस वाई का, अगला निकालेंगे कॉस वाई का, ठीक है। अब हम कॉस वाई का निकालते हैं, जब हम कॉस वाई का निकालेंगे देखिए अगला हम दूसरा लिखते हैं कॉस वाई, यानी कि नंबर दो वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब हम लिखते हैं वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का, अब हम निकालेंगे किसका, कॉस इनवर्स एक्स का, देखिए फिर इसको वही करेंगे, इस एक्स को इधर भेज देंगे वाई को इधर भेज देंगे, ये क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू कॉस वाई, एक्स इक्वल टू कॉस वाई। अब डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे देते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई, कॉस वाई का माइनस का साइन वाई, कॉस वाई का हो गया माइनस साइन वाई। अब इसका रेसिप्रोकल यानी इसको उल्टा करेंगे, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन साइन वाई, इसको उल्टा कर दिया, ये भी उल्टा हो गया, यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट साइन वाई का फॉर्मूला वन माइनस कॉस स्क्वायर वाई, साइन वाई का फॉर्मूला अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर वाई, ये जाएगा डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर वाई, कॉस वाई का वैल्यू एक्स है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, क्या डिफरेंशिएशन, देयरफॉर डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यह आ गया बस में आ गया। तो दूसरा भी हो गया, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन आ गया, कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन आ गया। अगला नंबर थ्री, तीसरा डिफरेंशिएशन है वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, अब हम कर रहे हैं वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का, ठीक है। तो फिर से इसको भी वैसे करेंगे, एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ से हो जाएगा एक्स इक्वल टू टेन वाई, एक्स इक्वल टू टेन वाई, अब यहाँ से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, जब वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू टेन स्क्वायर, टेन वाई का हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई, टेन वाई का हो गया सेक स्क्वायर वाई। अब इसको उल्टा कर देंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन सेक स्क्वायर वाई, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन सेक स्क्वायर वाई का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है वन प्लस टेन स्क्वायर वाई, सेक स्क्वायर वाई का फॉर्मूला वन प्लस टेन स्क्वायर वाई, यहाँ लिख देते हैं चूंकि सेक स्क्वायर वाई इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर वाई, यहाँ पर सेक स्क्वायर वाई को लिख दिए वन प्लस टेन स्क्वायर वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर वाई, टेन वाई का वैल्यू कितना है एक्स, तो यहाँ पर टेन स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये हो गया नंबर तीसरे का टेन इनवर्स एक्स का। देयरफॉर डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, बस में आ गया। तो साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स तीन का प्रूफ हो गया, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स का, ठीक है। अब इसको हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम अगला पार्ट जो है बाकी का तीन जो बचा है कॉट सेक और कॉसेक उसका हम फाइंड करेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स में दोनों का डिफरेंशिएशन सेम है, बस माइनस का डिफरेंस है, इसमें पॉजिटिव आया और उस वाले में निगेटिव आया। साइन और कॉस में क्या डिफरेंस है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, जिसमें माइनस आया साइन वाले में प्लस आया और कॉस वाले में माइनस आया, वैसे टेन और कॉट में भी माइनस का डिफरेंस होगा, सेक और कॉसेक में भी माइनस का ही डिफरेंस होगा सिर्फ, ठीक है। तब हम अगला करते हैं नंबर चार, y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, देखिए नंबर फोर चौथा है y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, इससे भी x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू कॉट y, x इक्वल टू कॉट y। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे y के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो देखो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई कॉट y, इस कॉट y का होगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर y, ठीक है। अब इसको रिसिप्रोकल कर देंगे यानी उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन कॉसेक स्क्वायर वाई, ठीक है। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन कॉसेक वाई का फॉर्मूला देंगे वन प्लस कॉट स्क्वायर वाई, कॉसेक स्क्वायर वाई का फॉर्मूला होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर वाई, तो कॉसेक स्क्वायर वाई का फॉर्मूला आ गया वन प्लस कॉट स्क्वायर वाई, यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर वाई, कॉट स्क्वायर वाई, तो कॉट वाई का वैल्यू कितना है एक्स, ये जाएगा एक्स का स्क्वायर, बस लिख देंगे देयरफॉर डी वाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया कॉट इनवर्स एक्स का। तो चौथा भी हो गया, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स चार हो गया, अब बचा कौन सा सेक इनवर्स, ठीक है।
अगला बचा नंबर पांचवा y इक्वल टू sec इनवर्स x। अब हम करेंगे sec इनवर्स x का, y इक्वल टू sec इनवर्स x। तो देखिए तो यहां से क्या जाएगा, x इक्वल टू sec y, sec इनवर्स x में हम क्या किए, sec इनवर्स को उधर भेज दिए, इधर बच गया सिर्फ x इक्वल टू sec इनवर्स, उधर गया इधर इनवर्स था उधर जाके सीधा हो गया, तो x इक्वल टू sec y। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, dx upon dy equal to sec y, sec का क्या होता है, sec y into tan y, sec का क्या होता है, sec y into tan y, ठीक है, डिफरेंशिएशन। अब इसको उल्टा कर देंगे, ये जगह dy by dx equal to 1 upon sec y into tan y, ये आ गए। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ये जगह dy by dx equal to 1 upon sec y का वैल्यू पता है उसको ऐसे छोड़ देंगे, into tan y को ले देंगे अंडर रूट sec स्क्वायर y minus 1, tan y का फॉर्मूला अंडर रूट sec स्क्वायर y minus 1, यह जाएगा dy by dx equal to 1 upon देखो sec y, sec y का वैल्यू कितना है x, ये सिर्फ sec y होगा क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो x अंडर रूट sec स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 1, ये डिफरेंशिएशन हो गया किसका sec y का। पांच को तो हो गया, अब लास्ट बचा सबसे लास्ट कौन सा, cosec इनवर्स x। अब हम करेंगे cosec इनवर्स x का, ठीक है, तो देखो जब cosec इनवर्स x का करेंगे, नंबर 6 cosec इनवर्स x y इक्वल टू cosec इनवर्स x, क्या हो जाएगा x इक्वल टू cosec y, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये क्या जाएगा x का डिफरेंशिएशन dx upon dy, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसको नीचे लेंगे, इक्वल टू cosec y, cosec y का होता है माइनस का cosec y into cot y, माइनस का cosec y into cot y, इसको उल्टा करेंगे तो dy by dx इक्वल टू माइनस 1 upon cosec y into cot y। अब फॉर्मूला लिखेंगे तो dy by dx equal to minus 1 upon cosec y under root cot y का फॉर्मूला आ जाएगा cosec squared y minus 1, cot y का फॉर्मूला under root cosec squared minus 1, ये जाएगा dy by dx equal to minus 1 upon x under root x squared minus 1, ये फॉर्मूला किसका आ गया cosec inverse x का। तब आपको जितना भी फॉर्मूला था इनवर्स का वो सब आपको प्रूव करके दिखा दिए, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का, ठीक है, इन सबको आपको याद रखना है। अब इन्हीं सारे फॉर्मूला जितना भी फॉर्मूला है इन सब फॉर्मूला को हम आपको एक जगह लिख के आपको दिखाते हैं, ठीक है, ये सारे फॉर्मूला जो है उनमें क्या रिलेशन है, जितने भी फॉर्मूला 6 का 6 फॉर्मूला है उन 6 फॉर्मूला में क्या रिलेशन है उनको हम देखते हैं, ठीक है, और ये फॉर्मूला को हम याद रखें क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो होगा डायरेक्ट हमें ये फॉर्मूला ही पूछ देता है, कभी कभी डायरेक्ट हमें इसका फॉर्मूला ही पूछ देगा, क्वेश्चन 6 में से क्वेश्चन एक इनवर्स दे देगा, बोलेगा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हमें फॉर्मूला याद रहेगा, डायरेक्ट हम वहाँ पे ऑप्शन टिक कर देंगे, ठीक है, हमें फॉर्मूला को याद रखना है क्योंकि जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा हम क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और इधर ये क्या लिखा हुआ है रेंज और डोमेन, इसको भी हमें ध्यान रखना है, ऐसे हम इस चीज आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में डिटेल में हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है, अब देखिए अगर नहीं समझ में आया होगा ये रेंज और डोमेन आप पीछे का लेक्चर देख लेंगे, ठीक है, तो पीछे के लेक्चर में रेंज और डोमेन के बारे में हम डिटेल में वहाँ पे हम बता चुके हैं। अब देखिए इन जितने भी फॉर्मूला पढ़े थे इन सारे फॉर्मूला को हम एक जगह पे लेके आते हैं, देखिए पहला डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, दूसरा dy dx cos इनवर्स x, तीसरा dy dx tan इनवर्स x, चौथा dy dx
cot इनवर्स x, पांचवा है dy/dx, sec इनवर्स x, छठा हो गया dy/dx, cosec इनवर्स x, ठीक है। ये छह फॉर्मूला है, तो इन छह फॉर्मूला को हम जो अभी हम प्रूव किए थे वही हम वैल्यू लिख रहे हैं और फिर कंपेयर करके देख लेंगे हर फॉर्मूला में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि याद करने में हमें आसानी होगा। देखिए पहले का जो आया था वो आया था वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे का माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तीसरे का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, चौथे का माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, पांचवें का वन अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और लास्ट वन का आया था माइनस वन अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। यही छह फॉर्मूला अभी आपको हम प्रूव करके दिखाए थे इनवर्स के लिए, इन छह को हम याद रखेंगे। अभी याद कैसे रखेंगे, देखिए साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, यानी कि साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला और कॉस इनवर्स वाला फॉर्मूला जो है दोनों सेम दिख रहा है, जो चीज यहाँ पे लिखा है वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, बस इसमें प्लस है और इसमें माइनस है। वैसे टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का फॉर्मूला दोनों सेम है, बस माइनस प्लस का डिफरेंस है। वैसे सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का फॉर्मूला सेम है, बस माइनस का डिफरेंस है। तो अगर साइन का याद रहेगा तो कॉस में माइनस कर देंगे, अगर टेन का याद है तो कॉट में माइनस कर देंगे, सेक का याद है तो कॉसेक में हम माइनस कर देंगे। यानी तीन का याद करना, किस किस का, साइन का, टेन और सेक, यानी कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और सेक इनवर्स, इन तीनों का याद करेंगे, बाकी तीनों का लिखने के लिए सम में हम माइनस लगा देंगे। क्लियर है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस इनवर्स एक्स का देखिए क्या है, कॉस इनवर्स एक्स का माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर यानी हर में जो लिखा हुआ है हर वाला चीज दोनों का सेम है, बस अलग क्या है, इसमें प्लस वन है और इसमें माइनस वन है, यानी दोनों फॉर्मूला सेम है, बस प्लस माइनस का क्या है, डिफरेंस है। वैसे टेन इनवर्स एक्स में क्या है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स में क्या है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और वैसे कॉट इनवर्स में हो गया माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों का डिनोमिनेटर यानी हर में जो लिखा है हर वाला चीज दोनों का सेम है, बस ऊपर यहाँ पे प्लस वन है और इसमें माइनस वन है, सेम चीज इसमें ऊपर प्लस वन है और यहाँ पे माइनस वन है। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, किसी तीन फॉर्मूला को याद रखेंगे, बाकी तीनों के लिए हम क्या करेंगे, उसमें माइनस का साइन हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास जो हम हिंट निकाले थे, जब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन, ये तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अवकलन का फॉर्मूला हमें जो कि याद रखना है, और ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसका यूज में आएगा, ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी हम क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब इसी टॉपिक पे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल करते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो है इसी का डिफरेंशिएशन हम इसी के रिलेटेड हम करते हैं। देखिए तो कुछ हम क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए डिफरेंशिएट द फ्लोइंग, डिफरेंशिएट द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी जो भी कुछ लिखा है उसको हमें डिफरेंशिएट करना है और एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, डिफरेंशिएट द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक एक करके करते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल ठीक है, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, इसको डिफरेंशिएट करना है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, एकदम आराम से देखना है। देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, हम यहां पे लेते हैं जो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब देखिए यानी कि हमें जो डिफरेंशिएशन पता है किसका पता है, साइन इनवर्स x का, सिर्फ x, साइन इनवर्स एक्स का, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स टू एक्स, यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स टू एक्स, लेकिन हमें पता किसका है, साइन इनवर्स एक्स का। तो यहाँ जो ये टू एक्स है, इस टू एक्स को हम कंसीडर कर लेंगे, वो टू एक्स नहीं है, वो क्या चीज है, एक्स है, बस में आ गया, वो टू एक्स नहीं है, वो क्या चीज है,
एक्स लिखा हुआ है, तो जब हम इसको हम कंसिडर कर लेंगे, ये वाला जो पूरा चीज है इसको हम कंसिडर कर लेंगे, ये एक्स लिखा हुआ था, हम इसको क्या रीड करेंगे, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। बात समझ आ गया? अब y का डिफरेंशिएशन dy वाई बाय डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो इस क्योंकि इस 2x को हम क्या मान लिए थे, x मान लिए हैं, ये जो 2x है इस 2x को हम x मान लिए हैं, तो साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, x का क्या है स्क्वायर, x की जगह पे क्या है 2x, यानी कि 2x का स्क्वायर, बस में आ गया, इनटू dy dx इनटू 2x, क्योंकि ये जो डिफरेंशिएशन था किसका था, साइन इनवर्स का, फिर बच गया कौन 2x, तो 2x का अलग से लिख दिए, ये जाएगा dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2x का स्क्वायर, तो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये 2x का डिफरेंशिएशन, तो 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 कांस्टेंट था, 2 आगे कर दिए, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो साइन इनवर्स 2x का ये डिफरेंशिएशन आ गया, एकदम सिंपल सा आसान सा था, यानी कि साइन इनवर्स के बाद जो भी कुछ था उस पूरे को हम कंसीडर कर लिए, क्या है x है, बस मैडम उस पूरे को हम कंसीडर कर लिए x है, साइन इनवर्स x, और उसका आता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, फिर x के जगह पे हम क्या रख दिए 2x रख दिए, बस में आ गया। दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2 देखिए, दूसरा एग्जांपल है y इक्वल टू 10 इनवर्स अंडर रूट x, अगला है y इक्वल टू 10 इनवर्स अंडर रूट x, अब देखिए फिर से हमें जो डिफरेंशिएशन पता है किसका पता है, 10 इनवर्स x का, लेकिन यहां पर क्या है 10 इनवर्स अंडर रूट x, तो अंडर रूट x जो है उसको हम क्या मान लेंगे x, अंडर रूट x को हम क्या मान लेंगे, जो x का काम करेगा, ठीक है, तो देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy by dx, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy by dx इक्वल टू, देखिए 10 इनवर्स x, उसका फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x की जगह दिया जाएगा, यानी अंडर रूट x और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है, ये जो डिफरेंशिएशन है किसका है 10 इनवर्स का, अब किसका होगा रूट x का, यहां पे लिख देंगे dy dx अंडर रूट x, अंडर रूट x का बच गया था उसको अलग से लिख दी, देखिए क्या हो जाएगा dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे, तो जगह एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको कल भी बताए थे, परसों भी बताए थे, वो क्या होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, ये जगह डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस में एकदम सिंपल सा है, यानी कि इनवर्स के बाद जो भी कुछ वहां पे टर्म है उसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं x कंसीडर कर रहे हैं, और इसी फॉर्मूला पे हम उसको हम ओपन कर दे रहे हैं, बस में अगला देखिए एग्जांपल नंबर 3, तीसरा एग्जांपल है y इक्वल टू अंडर रूट cot इनवर्स रूट x, y इक्वल टू अंडर रूट cot इनवर्स रूट x, ठीक है, अब देखिए इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें क्या होगा, पहले रूट का करेंगे, पहले हम स्क्वायर रूट का करेंगे, क्योंकि पूरे का स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो पहले तो हम स्क्वायर रूट का करेंगे, तो देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy by dx, y का डिफरेंशिएशन dy by dx, फिर रूट का अंडर रूट का, अंडर रूट का क्या होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, cot इनवर्स अंडर रूट x, क्योंकि अंडर रूट के अंदर ये जो पूरा चीज लिखा था इसको हम कंसीडर कर लिए, क्या लिखा हुआ है x, और अंडर रूट x का क्या होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, लिख दिया 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, ठीक है, अभी इस रूट का हुआ है, अब कौन बची है रूट के अंदर वाला, तो अलग से यहां पे लिख देंगे dy dx cot इनवर्स रूट x, ठीक है, अब यह जाएगा dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट cot इनवर्स अंडर रूट x इनटू
अब देखिए कॉट इनवर्स रूट एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वही चीज यहाँ पे लिख देंगे, ये क्या जाएगा माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या है रूट एक्स का स्क्वायर। अब ये डिफरेंशिएशन किसका हुआ है कॉट इनवर्स का, कॉट इनवर्स का, अब किसका बचा रूट एक्स का, तो रूट एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का हम अलग से लिख दिए, ये जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन अपॉन टू अंडर रूट कॉट इनवर्स रूट एक्स इन टू वन प्लस रूट एक्स का स्क्वायर क्या जाएगा एक्स, फिर इन टू वन अपॉन रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स, ठीक है इस टू को आगे कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे फोर रूट एक्स इंटू वन प्लस एक्स इंटू रूट कॉट इनवर्स रूट एक्स, ये हो गया पूरे का डी वाई बाई डी एक्स। बस मेरे इन सिंपल सा आसानी से हम कर रहे हैं, इसी फॉर्मूला को हमें याद रखना है, अगर ये वाला चीज याद है तो हम डिफरेंशिएशन जो है एकदम आसानी से कर रहे हैं, यानी कि इनवर्स के बाद जो भी कुछ दे रहा है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं ये एक्स है। बस मैं यहाँ पे क्या था पहले अंडर रूट था तो पहले अंडर रूट वाले का करना होगा, क्योंकि हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे डिफरेंशिएशन करते समय सबसे पहले क्या करेंगे एक्सपोनेंट, यानी सबसे पहले पावर का करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे पावर का, ये एक्सपोनेंट यानी कि रूट का मतलब क्या होता है पूरे का होल पावर वन बाय टू, तो रूट एक्स इस पूरे को मान लीजिए एक्स, तो रूट एक्स और रूट एक्स का क्या होता है वन अपॉन टू रूट एक्स। बस मैं ऐसे करके हम इसको डिफरेंशिएट कर लिए, एग्जाम्पल नंबर थ्री हो गया। अब देखिए कुछ ऐसा एग्जाम्पल और भी हम देख रहे हैं, एकदम से हमें यही छह फॉर्मूला को हम याद रखेंगे तो कोई भी इनवर्स फलन, इनवर्स का फलन हमें त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिया रहेगा तो उसका हम अवकलन वहां से कर लेंगे। अब देखिए अब यहां से क्या करेंगे जो कुछ अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर फोर, एग्जाम्पल नंबर फोर वो है वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉट एक्स, इसका कर रहे हैं वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉट एक्स, एग्जाम्पल क्या है वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉट एक्स। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हम फिर से वही काम करेंगे यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये कॉस इनवर्स है इस पूरे को हम कंसिडर कर लेंगे, ये पूरा एक्स है, ये जो पूरा है इसको कंसिडर कर लेंगे एक्स है, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। अब कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी पेज को ओपन कर देंगे, बस में आगे यानी हम लिखेंगे माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स की जगह पे ये पूरा है तो कॉट स्क्वायर एक्स, बस में आगे ये डिफरेंशिएशन किसका हुआ है कॉस इनवर्स का। अब बचा कौन कॉट एक्स, इसको अलग से लिख देंगे डी वाई डी एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हम अलग से लिख दिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन लिखना है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन पता है कल भी आपको बताया था कितना होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन लिख दिए। अब इसको आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। बस मेरा यानी कि इनवर्स के बाद जो भी कुछ था उस पूरे को हम कंसिडर कर लिए, वो पूरा का पूरा क्या है उसके लिए एक्स का काम करेगा, कॉस इनवर्स एक्स का हमें फॉर्मूला पता था उस पर हम ओपन कर दिए। अगला देखिए एग्जाम्पल नंबर फाइव,
एग्जांपल नंबर फाइव। देखिए एग्जांपल नंबर फाइव में क्या है, वाई इक्वल टू सेक टेन इनवर्स एक्स, वाई इक्वल टू सेक टेन इनवर्स एक्स, यह एग्जांपल नंबर फाइव, वाई इक्वल टू सेक टेन इनवर्स एक्स। देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy by dx इक्वल टू, देखिए sec, इस sec के लिए ये पूरा हो जाएगा x, इस sec के लिए ये पूरा हो जाएगा x, यानी sec x, sec x का डिफरेंशिएशन में पता है sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x into tan x, क्लियर है, sec x जो होता है sec x, sec इस sec के लिए ये वाला पूरा हो गया था x, तो sec x, तो sec x को हमने दिया sec x into tan x, क्लियर है, sec x का हो गया sec x into tan x। अब बचा कौन, tan inverse x, अलग से लिख देंगे dy dx into tan inverse x, ठीक है, ये जगह dy by dx equal to sec tan inverse x into tan उसके बाद इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री जब हम पढ़े थे वहां पे आपको बताए थे यानी टी और टी इनवर्स रहेगा उसका वैल्यू क्या होता है एक्स के बराबर, टी और टी इनवर्स रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा एक्स के बराबर, जिसकी यहाँ पे दे रखा है टेन और टेन इनवर्स एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स, टेन और टेन इनवर्स एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स, बस में इसको हम इस पूरे को हम क्या लिख देंगे एक्स, ये क्या जाएगा dy by dx इक्वल इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा x, x को इसे मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू sec tan इनवर्स x, प्रश्न आ गया, यानी कि tan tan इनवर्स x जो था ये वाला जो पूरा चीज था इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा x के बराबर। ये चीज हम आपको इनवर्स वाला चैप्टर जब पढ़े थे तो वहां पे प्रॉपर्टी में आपको बताए थे, ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री का इनवर्स होता है क्या होता है थीटा के बराबर, उसको ले दिए एक्स के बराबर, इसको हम ऐसे छोड़ दिए और इसको हम इस ले दिए, क्लियर है, ये पांच एग्जांपल हम कर लिए, ठीक है, अगला एग्जांपल हम देखते हैं एग्जांपल नंबर सिक्स। सब क्वेश्चन जो एकदम बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा, हमें फॉर्मूला को याद रखना है और उसी फॉर्मूला पे हम उसको ओपन कर देंगे, ठीक है, अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर सिक्स। देखिए एग्जांपल नंबर सिक्स, y इक्वल टू साइन टेन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन टेन इनवर्स x, फिर से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y का dy by dx, इस साइन के लिए ये वाला क्या हो जाएगा x, यानी साइन x, इस पूरे को x ले लेंगे साइन x, तो साइन x क्या होता है cos x, साइन x को हम क्या ले लिए साइन x का हो गया cos x, तो साइन का तो हो गया, अब बचा इसका यानी कि dy dx into tan inverse x, ये जगह dy by dx equal to cos tan inverse x into 1 upon 1 plus x square, इसका क्या है 1 upon 1 plus x square, बस में आ गए, ये हुआ एग्जांपल नंबर सिक्स। अगला एग्जांपल नंबर सेवन, देखो उसमें क्या है वाई इक्वल टू कॉट कॉस इनवर्स एक्स, कॉट कॉस इनवर्स एक्स, अब देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू cot x, cot क्या होता है माइनस का cosec,
माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट का हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि इस पूरे को एक्स ले लिए, कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, फिर डी बाई डी एक्स कौन बच गया, कॉस इनवर्स एक्स, तो देखा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स, उसका फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन ए कॉसेक स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया पूरे का डिफरेंशिएशन। बात समझ आ गया? अब यहाँ से एक क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर एट, एग्जाम्पल नंबर एट, एग्जाम्पल नंबर एट क्या है, वाई इक्वल टू ई टू द पावर टेन इनवर्स रूट एक्स, y इक्वल टू ई टू द पावर टेन इनवर्स रूट एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएट क्या होगा dy वाई बाई डी एक्स, देखो e के जो पावर में ये है इस पूरे को क्या कंसिडर कर लेंगे, ये पूरा x है, यानी e की पावर x, तो e की पावर x का कल ही बताए थे, e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x ही होगा, e की पावर x हो गया e की पावर x, अब बचा कौन पावर वाला, तो dy वाई डी एक्स इंटू टेन इनवर्स रूट x, यानी इस पूरे पावर का हम अलग से करेंगे, ये जगह dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर टेन इनवर्स रूट एक्स इंटू टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x, तो टेन इनवर्स x का क्या हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा x, फिर इंटू dy वाई डी एक्स, अब टेन इनवर्स का हो गया अब रूट एक्स का, तो रूट एक्स, ये जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इंटू रूट एक्स, रूट एक्स का हो जाएगा वन अपॉन टू रूट एक्स, ये हो गया dy वाई बाई डी एक्स, किसका ई टू द पावर टेन इनवर्स रूट एक्स का, बात समझ आ गया? ऐसे करके हम इनवर्स वाले फंक्शन जो भी रहेंगे उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि सिंपल सा जो इनवर्स के बाद जो भी कुछ आता था उस पूरे को हम क्या लेते हैं एक्स लेते हैं, इनवर्स के बाद जो भी कुछ आता है उस पूरे को हम एक्स कंसीडर करते हैं और वहां से हम उसको डिफरेंस सेट कर देते हैं, ठीक है। बाकी इसका कुछ एग्जांपल जो है कल हम और भी करेंगे, ठीक है, इसका अभी ये खत्म नहीं हुआ ये चीज, इस इनवर्स वाले का कुछ एग्जांपल हम कल भी करेंगे, फिर कल वाले लेक्चर में जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस में आगे यहाँ तक जो है आप लोग इसका रिवीजन अच्छे से कर लेंगे, बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे करेंगे।